मॉर्निंग। अभी तुरंत थोड़ी देर पहले एक आईसी का इलेक्ट्रिकल ड्राइव पे नोट था, किसी का था, किसी ग्रुप का, तो वो गूगल डॉक क्लासरूम पे है, तो सभी लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और कुछ बुक्स में दिया है कि इलेक्ट्रिकल ड्राइव के फायदे और नुकसान, वो क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, एक बुक आया करती थी हमारे पास था, अभी नहीं देख रहा है, इलेक्ट्रिकल ड्राइव और पिल्लई करके, इलेक्ट्रिकल ड्राइव और पिल्लई राइटर थे, LAI पिल्लई, और नरोसा पब्लिकेशन की बुक थी, और वो मिल नहीं रही है, बहुत अच्छी थी, स्पेशली इलेक्ट्रिकल ड्राइव की थी। आज फिर खोजेंगे, अगर मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छा बुक था, स्पेशली इलेक्ट्रिकल ड्राइव के लिए था। सभी लोग आ गए हैं, कुछ बाकी है। दुर्ग विजय, हाँ तो यूनिट वाइज PDF है, तो वो उसको ग्रुप में सेंड कर दो और हम वहाँ क्लासरूम वाले पे लगा देते हैं, जिससे कि आप ही लोगों को फ़ायदा होगा। मान लीजिए व्हाट्सएप पे सभी लोग नहीं हैं, गर्ल्स नहीं हैं, तो क्लासरूम सेफ है। क्लासरूम सेफ का मतलब उससे इंडिविजुअल लोग अपना अलग अलग डाटा ले सकते हैं, कोई इंट्रैक्शन नहीं है आपस में। तो ग्रुप का मतलब ना कि वहाँ डालोगे तो सर थोड़ा सा मना करते हैं इस टाइप का प्राइवेट। तो गूगल वाले पे जो क्या है अभी, जो हम लोग गूगल हैंग आउट है, वहाँ पे आप भेज दीजिए, तो वहाँ से हम ट्रांसफ़र कर देंगे क्लासरूम पे। उसमें नहीं भेजिए, जिसमें दीपक सर है उसमें नहीं भेजिए, गूगल हैंग आउट पे भेजिए, वो हम लोग का प्राइवेट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दुर्ग विजय और लोकेश वर्मा, शिखा गुप्ता, अंकिता मिश्रा, सर्वेश, अंजनी, सोनू कुमार, प्रिंस, निर्मा, इतने लोग हैं। एक दो मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए बस, और शायद कोई आ जाए। पापा से कहो मम्मी नहीं दे रही है, अभी पढ़ा लेंगे दे देंगे, अभी पढ़ा दे देंगे, जाओ ले लो दूसरा फोन। उमेश मौर्य, और वो गूगल जो हैंगआउट है उस पे आप लोग आपस में कॉन्फ्रेंस करके देखिए डाटा का कंजप्शन किस हिसाब से होता है, तभी वो बेनिफिशियल है। जैसे अभी आप लोग यूट्यूब से जब पढ़ रहे हैं तो यहाँ से डाटा आपका बहुत कम लगता है, क्योंकि उधर से आप अपने साइट से डाटा जो ट्रांसमिशन रेट है वो बहुत कम है। आप चैट के माध्यम से हमको रिप्लाई देते हैं, और जो हैंगआउट है या जो भी वीडियो वाले प्लेटफॉर्म है वहाँ से वीडियो आपका आएगा, तो वहाँ से डाटा कंजप्शन बहुत ज़्यादा होगा। तो वो बस ऐसे ही कि कभी इमरजेंसी में काम आने के लिए उसको क्रिएट किया है, और उससे डाटा कंजप्शन जहाँ तक हमें अंदाज़ा है बहुत ज़्यादा होगा। ये यूट्यूब से बहुत अच्छा है कि आपका डाटा ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन जो भी जैसे जूम है या ये गूगल हैंगआउट है या स्काइप है, इस टाइप से डाटा स्टूडेंट का भी ज़्यादा कंज्यूम होता है।
वैसे एक बार देखिएगा आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ चीज़ें और जान लेते हैं तब ड्राइव पे चलते हैं। अमन राम, अखिलेश गुप्ता, देखिए हाँ बाद में भी देख सकते हैं, ये भी फैसिलिटी है। YouTube कई मामलों में अच्छा है ना, YouTube कई मामलों में बहुत अच्छा है और स्मूथ चलता है। हाँ YouTube ज़्यादा बेटर है, वो तब जैसे हैंगआउट तब के लिए बेटर है जब फेस टू फेस स्टूडेंट से भी इंटरेक्ट होना हो, तब के लिए वो बेटर है। अदरवाइज यूट्यूब सबसे बेटर है, सबसे कम डाटा कंज्यूम होता है। देखिए लास्ट टाइम हम लोग ये देखे थे कि जो बैक ईएमएफ था या जो सेल्फ जनरेटेड ईएमएफ था उसका मोटर का, डीसी मोटर का, वो आपने ईए इक्वल टू लिया था, ईए इक्वल टू, ईए इक्वल टू क्या निकला था डीसी मोटर के लिए? कल एक ये स्केच ले आया मल्टी कलर, किस कलर से लिखा जाए इससे लिखते हैं। अखिलेश शर्मा, देखिए ईए इक्वल टू आपका आया था KA5ωm, ये आपका आया था ईए इक्वल टू KA5ωm। अब आपको पता है कि अगर मोटर है तो मोटर में क्या होगा, वोल्टेज V इक्वल टू IaRa प्लस ईए होता है, ई ए, ठीक है, IaRa प्लस ईए। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ई इक्वल टू वी माइनस IaRa अपान क्या, कुछ नहीं, ठीक है। अब अगर यहाँ से ईए की जगह ये KA5ωm आप रख दें, ईए की जगह KA5ωm रख दें, तो यहाँ से आएगा वी माइनस IaRa और यहाँ से ωm इक्वल टू वी माइनस IaRa अपन KA5, ठीक है। फाई क्या है, फ्लक्स पर पोल है। तो जो रोटर की स्पीड है ωm वो किस पर डिपेंड कर रही है, टर्मिनल वोल्टेज जो सप्लाई वोल्टेज आप दे रहे हैं और उसके फ्लक्स पे। और आपको पता है कि जो फ्लक्स है वो किस पर डिपेंड करता है, फील्ड करंट पे, जो चुंबक का, चुंबक के ऊपर बाइंडिंग की है उसमें करंट फ्लो करवा रहे हैं तो उससे मैग्नेट बन रहा है, तो उसमें बहने वाली करंट पे फाई डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे इसको आगे और आप कर सकते हैं कि ωm इक्वल टू वी माइनस IaRa अपान KA और इनटू एक और कांस्टेंट ले दीजिए K इनटू IF, मतलब फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IF होता है, तो फाई इक्वल टू K इनटू IF। IF क्या है, IF इक्वल टू फील्ड करंट, IF इक्वल टू फील्ड करंट।
बाकी नोटेशन आप जान रहे हैं, कोई डाउट हो तो पूछिए। फील्ड करंट, ठीक है। ओमेगा एम क्या है? रोटर की, डीसी मशीन में रोटर की एंगुलर स्पीड रेडियन पर सेकंड में, रेडियन पर सेकंड में। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर टर्मिनल वोल्टेज को वी को हम वैरी करें तो भी स्पीड क्या होगी? वैरी करेगी। अगर टर्मिनल वोल्टेज वी को आप घटाएंगे तो क्या होगा? इफ वी को आप कम करेंगे तो ओमेगा एम क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए, अगर फाई को आप घटाएंगे तो क्या होगा? ओमेगा एम, अरे सॉरी ये गलत लिखा गया है, ज़्यादा नहीं होगा भाई, कम होगा। अगर वी को आप घटाएंगे तो ओमेगा एम क्या होगा? कम होगा। अगर फाई को घटाएंगे तो ओमेगा एम ज़्यादा होगा। तो हमारे पास दो मेथड है स्पीड कंट्रोल का, एक वेरिएबल आर्मेचर वोल्टेज, ये वी क्या है? आर्मेचर के सिरों पे लगाई गई वोल्टता है। नूर मोहम्मद अखिलेश शर्मा, वी क्या है? आर्मेचर के सिरों पे लगाई गई वोल्टता है। तो वेरिएबल आर्मेचर वोल्टेज पहला मेथड है, और दूसरा मेथड है क्या आपका, कि वेरिएबल फील्ड करंट, वेरिएबल फील्ड करंट या वेरिएबल फ्लक्स। तो हमारे पास दो मेथड आए, एक में क्या है कि फर्स्ट आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल की डीसी मोटर में कौन सी विधियां हुई? आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड, इसमें क्या होता है कि अगर वी को हम कम करेंगे तो इसमें ओमेगा एम क्या होगा? कम होगा, मतलब स्पीड घटेगी, एम घटेगी, ठीक। दूसरा मेथड जो है आपके पास वह फ्लक्स कंट्रोल मेथड, फ्लक्स कंट्रोल मेथड। इसमें क्या हो रहा है? इसमें अगर फ्लक्स को फाई को आप बढ़ाएंगे तो, सॉरी फाई को आप घटाएंगे तो ओमेगा एम क्या होगा? बढ़ेगा, ओमेगा एम बढ़ेगा और स्पीड भी क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। ये चीज़ हो रहा है, दो मेथड हैं। तो इसके आधार पे अगर हम देखें तो आप लोगों ने डीसी मशीन पढ़ा है, उसमें आपने देखा होगा कि वार्ड लिनियार्ड मेथड है स्पीड कंट्रोल, ऑफ वार्ड लिनियार्ड मेथड एक आता है स्पीड कंट्रोल का मेथड, तो उसमें आप लोग ग्राफ भी खींचे हैं। तो हम आपको और डिटेल में ना जाते हुए थोड़ा सा बता देते हैं उसका ग्राफ कैसे आता है। दिख रहा होगा, ये हम पहले सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर के लिए बनाते हैं और फिर
एक कर्व है, ठीक है, एक कर्व है। इसमें अब देखिए कौन चीज क्या है, इधर ये आपका है स्पीड, स्पीड ओमेगा एम, ठीक है, मैकेनिकल स्पीड ओमेगा एम। ये आपका एक्सिस टी डी, जो टार्क है, और टी डी पावर, टार्क और पावर, टार्क और पावर ये है। और यहाँ पे ये वाला कर्व पावर, ये वाला आप पी भी लिख सकते हैं, डिफ्लेक्टिंग है डी से मतलब, पी डी है इसका ग्राफ है, और ये वाला है टार्क टी डी, टार्क टी डी, टी डी यहाँ तक का जो है ये चीज, ये है आपका क्या, कांस्टेंट टार्क। यहाँ पे क्या मिलेगा, कांस्टेंट टार्क, और यहाँ पे क्या मिलेगा, कांस्टेंट पावर, कांस्टेंट पावर, कांस्टेंट टार्क और कांस्टेंट पावर। तो कांस्टेंट टार्क में क्या होता है, ये आपका वोल्टेज कंट्रोल मेथड है। क्या है, वोल्टेज कंट्रोल मेथड, मेथड, और ये क्या है आपका, फ्लक्स कंट्रोल मेथड, फ्लक्स कंट्रोल मेथड, फ्लक्स कंट्रोल मेथड, ठीक है। मतलब कि जब आप वोल्टेज कंट्रोल करेंगे, वोल्टेज कंट्रोल करके स्पीड को कंट्रोल करेंगे, तो ये वाला जो साइन दिखाया गया है ना, ये इसका रेटेड स्पीड, यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या है, रेटेड स्पीड एन है। अगर एन से आप स्पीड को कम करते हैं तो क्या करेंगे, वोल्टेज कंट्रोल करेंगे, वोल्टेज कम करेंगे, और उस केस में जो पावर होगा, पावर होगा वो क्या होगा, वेरिएबल होगा। ये देखिए पावर क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। अगर बेस स्पीड से, इसको लिख लीजिए बेस स्पीड, बेस स्पीड, ठीक, अगर बेस स्पीड से ज्यादा स्पीड करेंगे तो क्या होगा, फ्लक्स को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, और उस केस में पावर तो कांस्टेंट बना रहेगा, लेकिन ये टार्क क्या होगा, वो वेरिएबल होगा, कम होगा। क्लियर, ये ग्राफ आप बना लीजिए, ठीक है, दिख रहा होगा। इसमें लिख दीजिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ये इस्तेमाल में होना है, सी एच ए आर ए सी टी ई आर आई कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेपरेटली, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर, डीसी मोटर, ये रहा।
और यही यही ग्राफ क्या होगा, यही ग्राफ आप उसमें भी देखेंगे, किसमें, सीरीज मोटर में। लेकिन थोड़ा सा ये चीज़ें मतलब कम या ज़्यादा होंगी, ये जो मैग्नीट्यूड दिख रहा है ये कम ज़्यादा होगा, लेकिन यही चीज़ सीरीज में भी होगा। अभी उसको बना देते हैं। हो गया, ये कुछ लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, है ना? मोटर की स्पीड इंक्रीज करेगा तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा या डिक्रीज? यार यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो स्पीड नहीं है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपका? डिपेंडेंट वेरिएबल फ्लक्स है, तो फ्लक्स स्पीड पे डिपेंड करेगा, ना कि, अरे सॉरी उल्टा लग रहा है, बोल दिए, जो स्पीड है वो फ्लक्स पे डिपेंड करेगा। स्पीड फ्लक्स पे डिपेंड करेगा, ना कि फ्लक्स स्पीड पे। अंजनी वर्मा क्या कह रहे हैं कि स्पीड फ्लक्स पे डिपेंड करेगा। तो अगर आप फ्लक्स को बढ़ाएंगे तो स्पीड क्या होगा? कम होगा। अगर आप फाई को बढ़ाएंगे तो स्पीड एन कम होगा, अगर फाई को घटाएंगे तो स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, सेम फिगर ये डीसी सीरीज के लिए भी होगा, चूंकि अलग वोल्टेज कंट्रोल शंट मोटर का भी होता है, लेकिन ज़्यादा जो कंफर्टेबल होता है ड्राइव, वो क्या होता है, सीरीज मोटर। तो यहाँ पे बुक में भी ज़्यादातर सीरीज मोटर के बारे में दिया हुआ है, और को आप देखिए शंट मोटर का केस भी ऐसे ही होगा। अरे सॉरी, सीरीज मोटर का केस भी ऐसे ही होगा। इसमें एक चीज़ और खींच लीजिए, करंट के लिए, करंट के लिए ये मान लीजिए, करंट के लिए इसको ऐसे खींच लीजिए। करंट के लिए आ गया, ये दिख नहीं रहा लग रहा है, इसको इससे बना देते हैं। ठीक है,
हाँ तो उसको चेंज कर दिया। तो यहाँ पे ये आपका इधर है ऊपर साइड में टी डी और पी, डिफ्लेक्टिंग टार और डिफ्लेक्टिंग पावर टी डी, और ये आपका आई ए है, और ये सीरीज मोटर के लिए ये पावर पी डी, ये टार और ये आपका आई ए है। ये आपका है कांस्टेंट टार्क, कांस्टेंट टार्क और ये कांस्टेंट पावर, ये आपका वोल्टेज कंट्रोल वीए कंट्रोल मेथड है, और ये आपका क्या है फाई कंट्रोल, ठीक है। इधर ये स्पीड है आपकी ओमेगा एम या एन, ये एंगुलर होगा और ये आरपीएस में होगा, ठीक है। स्पीड ये चीज होगा, तो बेस स्पीड से स्पीड को कम करने के लिए आप क्या करेंगे, आर्मेचर कंट्रोल मेथड यूज करेंगे। और बेस स्पीड का मतलब कि नॉर्मल वोल्टेज पे और नॉर्मल लोड पे जो उसके लिए डिफाइंड है उतने पे मोटर की स्पीड, उसको क्या कहेंगे बेस स्पीड से कम स्पीड करना होगा तो वोल्टेज कंट्रोल मेथड यूज करेंगे, बेस स्पीड से अधिक स्पीड करना होगा तो आप फ्लक्स कंट्रोल मेथड यूज करेंगे। क्लियर? ये सीरीज और सेपरेटली एक्साइटेड मोटर के लिए यह ग्राफ बनाया गया है। अब बात हो गया, स्क्रीन शॉट तो सही है लेकिन इसको खुद से बनाना चाहिए, नहीं तो स्क्रीन शॉट ऐसे ही काम चलेगा। अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव, तीन तरह की ड्राइव होती है, कौन कौन सी? एक तो हमको याद ही नहीं आ रहा है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव, ये नोट में उसमें दिया है, बुक में भी दिया था, एक नहीं याद आ रहा। एक होता है ग्रुप ड्राइव, एक होता है इंडिविजुअल ड्राइव, एक कोई और होता है हमें ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। उसको आप नोट में देख लेंगे या बुक में देख लेंगे, इसको थोड़ा बहुत देख लें। सोनी यादव, ये सोनी यादव कौन है, कोई बाहर का है? सोनी यादव कहाँ से हो, डिप्लोमा से हो या नॉन डिप्लोमा हो? तो ग्रुप ड्राइव और इंडिविजुअल ड्राइव, ग्रुप ड्राइव से मतलब ये है कि जैसे
मान लीजिए एक मोटर है, ठीक है, एक मोटर है, आप देखे होंगे जहाँ पे आटा पीस चक्की मशीन होती है, तो एक मोटर होती है, उसका शाफ्ट होता है और उस पे उसी मोटर से कई जैसे व्हील लगे होते हैं और उसी से आटा चक्की मशीन भी चलती है या पेराई वाली मशीन भी चलती है। मतलब एक ही मोटर से, वो बेल्ट से कई मशीनें चलती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ग्रुप ड्राइव कहते हैं, ठीक, ग्रुप ड्राइव। और इंडिविजुअल ड्राइव में क्या होता है कि एक मोटर, सिंगल मोटर केवल एक ही मतलब इंस्ट्रूमेंट को चलाए, तो वो क्या होगा? इंडिविजुअल ड्राइव। और एक कोई और है, हमें ध्यान नहीं आ रहा है, इसको आप देख लीजिएगा, इस तरह से भी इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि, और दूसरी चीज़, एक चीज़ और उसमें देखिएगा कि इलेक्ट्रिकल ड्राइव के लाभ क्या हैं और इलेक्ट्रिकल ड्राइव की हानियाँ क्या क्या हैं, ये चीज़ देख लीजिएगा। अब हम आते हैं ऑपरेटिंग मोड, ऑपरेटिंग मोड्स। ऑपरेटिंग मोड्स, ऑपरेटिंग मोड्स से मतलब ये है कि वेरिएबल स्पीड एप्लीकेशन के लिए डीसी मोटर को कई मोड में ऑपरेट किया जा सकता है, जैसे कभी मोटर की तरह, कभी जनरेटर की तरह, और कभी उसका ब्रेकिंग। आप लोग प्लगिंग भी पढ़े होंगे, प्लगिंग, ब्रेकिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ये डीसी जो मशीन पढ़े होंगे तो वहाँ पे आया होगा, ये है ध्यान में। सेलबस में नहीं था? अच्छा, इतना भी सेलबस को बांध के नहीं चलना चाहिए कि हाँ बिल्कुल अलग पढ़ो ही ना, थोड़ा बहुत भी। चलो ठीक है, बताते हैं। तो ऑपरेटिंग मोड, किस किस मोड में आपका मोटर ऑपरेट कर सकता है? पहला है मोटरिंग मोड, MOTORING, मोटरिंग मोड। मोटरिंग मोड में क्या है कि इसमें बैक ईएमएफ, ई जी या ईए, जनरेटेड ईएमएफ, ये क्या होता है? लेस देन वीए, ठीक है। और क्या होता है? बोथ आर्मेचर करंट, फील्ड करंट्स आर्मेचर करंट्स एंड फील्ड करंट आर पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव। और दूसरी चीज क्या खास बात है इसमें? द मोटर डेवलप टॉर्क टू मीट द लोड डिमांड। मतलब कि इसमें जो जनरेटेड ईएमएफ होगा ईजी, वो टर्मिनल वोल्टेज वीए से कम होगा, और आर्मेचर करंट और फील्ड करंट दोनों पॉजिटिव होंगी, और मोटर टार्क डेवलप करेगा जो लोड डिमांड को पूरा करेगा। ठीक है, इसमें ये होता है। इसका अगर आप सर्किट बनाएं तो ऐसे देंगे कि
ये सेपरेटली एक्साइटेड मोटर के का केस है, ठीक है। अगर प्लस ये माइनस, अगर सीरीज मोटर का आप बनाएंगे तो इसके लिए क्या होगा, सीरीज मोटर के लिए यहाँ पे एक वोल्टेज दीजिए, ये मोटरिंग मोड का आप बना रहे हैं, और यहाँ पे ये आर ए है, ये आर एफ है, और इसका इंडक्टेंस भी होगा कुछ प्लस माइनस वी ए है, ठीक है। और यहाँ पे करंट आई ए है, जो आई ए है वही आई एफ भी होगा, सीरीज मोटर का केस है, प्लस माइनस ई जी, ठीक है। मोटर के लिए है, और ये है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, ठीक है। ये मोटरिंग मोड है, हाँ मल्टी मोटर भी, इलेक्ट्रिक ड्राइव के क्यों नहीं, पार्ट तो है ही। ये हो गया आपका सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, ये सीरीज मोटर, इनका मोटरिंग मोड में कैसे ऑपरेशन हो रहा है, ये वी ए यहाँ आपने लगाया है, आई ए इधर को जा रहा है, और दूसरा जो सीरीज का केस है उसमें ये वोल्टेज आपने लगाया है, यहाँ करंट आई ए इधर को एंटर कर रहा है, उसमें सीरीज करंट और आर्मेचर करंट दोनों सेव होगा, सेम होगा। तीसरा सॉरी दूसरा जो मोड है वो जी रीजनरेटिव मोड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। अभी नहीं पढ़ा लिए। दूसरा है रीजनरेटिव मोड, या रीजनरेटिव इसको ब्रेकिंग कहते हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग मोड, रीजनरेटिव ब्रेकिंग मोड। रीजनरेटिव ब्रेकिंग मोड से मतलब ये है कि आपको पता है कि जैसे जब आप इलेक्ट्रिक किसी मोटर पे मैकेनिकल लोड लगाते हैं तो क्या होता है कि सप्लाई सिस्टम को और अधिक एनर्जी मोटर को देनी पड़ती है उस लोड को काउंटर एक्ट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, ठीक। और लोड बढ़ाएंगे तो और उसमें इनपुट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये कह रहा है कि ऐसा ब्रेकिंग हो जिसमें ब्रेक लगे, मोटर की स्पीड कम हो, लेकिन उस दौरान जो ऊर्जा है वो क्या हो कि जो भी उसकी जैसे ब्रेक लगाएंगे तो मोटर की काइनेटिक एनर्जी होगी, वो रोटेट कर रहा है उसकी कुछ एनर्जी होगी, तो वो एनर्जी क्या हो, हीट के रूप में लॉस ना हो, वो एनर्जी क्या हो आपका सप्लाई सिस्टम को रिटर्न कर दी जाए, सप्लाई सिस्टम को रिटर्न कर दी जाए। तो इस तरह की जो ब्रेकिंग होती है उसको कहते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग। और इस केस में मोटर आपका जनरेटर की तरह काम करता है और ईएमएफ जनरेट करता है। और इस रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए क्या आवश्यक है कि ईजी इज ग्रेटर देन वीए। ये कब संभव है कि आपका जो मोटर है वो सप्लाई सिस्टम को एनर्जी कंज्यूम कर दे, प्रोवाइड कराए, ये दुर्गविजय इसको थोड़ा सा अभी हम देख के बताएंगे, एक हमको ध्यान नहीं है, देखा नहीं है हमने, हमको तो सिनोनिम्स लग रहे हैं ये जो आप कह रहे हैं,
ये कह रहे हैं ग्रुप इलेक्ट्रिक मोटर और मल्टी मोटर, एक दूसरे के हमको सिनानिम्स लग रहा है, अभी देख के बताएंगे, देखे नहीं है, बुक मिली नहीं है इलेक्ट्रिक ड्राइव की। देखिए इस पर कंसंट्रेट कीजिए कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग मोड में ईजी जो जनरेटेड ईएमएफ है, अगर ये वीए से बड़ा है, अगर ईजी जो जनरेटेड वोल्टेज है वो वीए से बड़ा है, तब क्या होगा? आपका मोटर में जो करंट इधर को फ्लो हो रहा है वो करंट क्या होगा? उल्टा जाएगा। मतलब कि ये बैटरी है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इंटर कर रहा है, मीन्स कि बैटरी आपकी चार्ज हो रही है, या दूसरे शब्दों में कहें ये जनरेटर, अरे ये मोटर क्या कर रहा है, आपका जनरेटिंग मोड में काम कर रहा है। ठीक है, ये जनरेटिंग मोड में काम कर रहा है, और आर्मेचर करंट इसमें क्या होगी? आईए निगेटिव लेंगे, आईए निगेटिव होगा, लेकिन फील्ड करंट आईएफ इसको पॉजिटिव ही आप लेंगे, पॉजिटिव। और मोटर की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि ये सप्लाई सिस्टम को रिटर्न की जाती है, और ऐसा यूज करने के लिए रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए जो डीसी सीरीज मोटर होता है उसको सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर की तरह कनेक्ट करना पड़ता है, अदरवाइज सीरीज मोटर से रीजनरेटिव ब्रेकिंग पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? इसका अगर सर्किट बनाए तो कैसे, ये देखिए, ये आर एफ है और ये वी एफ है, प्लस माइनस यहाँ पे आई एफ है, और ये आपका आई ए है और ये वी ए है, ये प्लस माइनस ई जी है, ये आर ए है। ठीक, और ये सेपरेटली एस ई पी आर ए टी ई एल वाई सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। सीरीज के केस में क्या करेंगे? सीरीज के केस में आपको करना है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो सीरीज मोटर में फ्लक्स की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो उसके लिए आवश्यक क्या है कि आप पहले जो फील्ड के टर्मिनल्स हैं उनको आप चेंज कर दीजिए, फील्ड के जो टर्मिनल हैं मान लीजिए F1 F2, उनको आप मोटरिंग मोड से चेंज कर दीजिए, जो मोटरिंग मोड था उससे उसका कनेक्शन चेंज कर दीजिए। मतलब कि जो टर्मिनल पहले आर्मेचर से कनेक्ट था अब उसका दूसरा टर्मिनल कनेक्ट कर दीजिए, तभी ये संभव है, अदरवाइज नहीं संभव है। ये प्लस माइनस ई जी, ये आर ए, ये आर एफ है आपका, ये वोल्टेज है वी ए। ठीक, ये सीरीज मोटर का है।
एक मिनट, यहाँ पे देखे किसी ने ध्यान नहीं दिया, ये करंट इधर से नहीं होगा, उल्टा होगा, इधर से इधर को होगा, करंट उल्टा होगा, और यहाँ पे भी करंट की वैल्यू किधर से किधर को होगी, इधर को जाएगी, करंट की वैल्यू आई है इधर से बहेगी, मतलब मोटर टू बैटरी, ठीक है, ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ठीक, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। अच्छा देखिए ये संभव कैसे है, जैसे मान लीजिए कि कोई मोटर है, ठीक है, वो चल रहा है, कोई मोटर है वो चल रहा है, रोटेट कर रहा है, अगर उसका आर्मेचर को आप सप्लाई देना बंद कर दें, उसके आर्मेचर को सप्लाई देना बंद कर दें लेकिन फील्ड को सप्लाई देते रहें, तो वहाँ पे क्या होगा कि कंडक्टर मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो वहाँ पे क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा, ईजी, ठीक है, ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं, कि अगर आप मोटर के आर्मेचर में सप्लाई देना बंद कर दें तो क्या होगा, वहाँ पे होगा कि फ्लक्स है, कंडक्टर मूव कर रहे हैं, वोल्टेज जनरेट होगा, वही उसी को क्या कहते हैं कि रीजनरेशन, मोटर की काइनेटिक एनर्जी के कारण उसमें जनरेट हो रहा है, और थोड़ा सा जटिल प्रोसेस है, तो वो वोल्टेज जो ईजी जनरेट हो रहा है वो क्या होता है, वो वीए से कम होता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि आपने पढ़ा है स्टेप अप चोपर, स्टेप अप चोपर, उस वोल्टेज को क्या करते हैं, सप्लाई वोल्टेज से बढ़ा देते हैं, जिससे कि आपका जो मोटर होता है वो सिस्टम को सप्लाई प्रोवाइड कराता है, चोपर का वहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग था। दो और बचा है, एक डायनामिक ब्रेकिंग और एक प्लगिंग, तो इसको हम बताएंगे कल, और थोड़ा सा फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन कैसे है ये भी कल हो जाएगा, तब आएंगे हम हाफ वेव ड्राइव पे, क्या आज यहीं तक करते हैं, 5:58 हो गया है, अभी फर्स्ट ईयर की क्लास भी लेना होगा, और दिग्विजय आपका जो है वो टाइप इंडिविजुअल और ग्रुप ड्राइव ये अभी देख लेंगे, तो कल, ठीक है, उम्मीद है आज समझ पाए होंगे, और डीसी मशीन जो मशीन है आज क्या कीजिएगा, मशीन की बुक उठाइएगा और वहाँ से प्लगिंग क्या होता है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या होता है और डायनेमिक ब्रेकिंग क्या होता है, ये सब आप पढ़ डालिएगा, और बुक अगर जिनके पास नहीं होगा, जिनके पास बुक नहीं होगा, मान लीजिए वहाँ छोड़े होंगे, तो आप लोग किसी एक के पास, कोई तो घर से आता जाता होगा उसके पास बुक होगा, तो उससे स्कैन करके, ये टॉपिक मुश्किल से 2 पेज या 3 पेज का होगा, ये टॉपिक कोई भी ग्रुप में अपलोड कर देगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ही कर देगा, तो वो चीज़ें मिल जाएंगी सबको, क्योंकि बुक इस समय सबके पास नहीं है, बहुत लोगों का बुक वहीं छूटा हुआ है, जिसके पास भी होगा ईमानदारी से स्कैन करके अपलोड कर देगा व्हाट्सएप पे, ठीक, डायनेमिक ब्रेकिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग और प्लगिंग, ये सब के लिए क्लियर। अभी हम स्टॉप करते हैं इसको यहीं, ठीक।